देवरिया जिले के भाटपार रानी तहसील में सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर सीपीआईएम द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चलें कि 19-20 फरवरी 2023 की रात को भाटपार रानी रेलवे स्टेशन परिसर स्थित एक दुकान में युवती के साथ गैंग रेप किया गया था। श्री ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे तक चले ऑपरेशन में युवती की स्थिति नाजुक बनी हुई है। ये घटना बेहद ही शर्मसार करती है। घटना से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जिला किसान सभा भाटपार रानी रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन कर तहसील में धरना देकर कई मांगों को रखा गया, जिसमें गैंग रेप की घटना को जज की देखरेख में जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जाए, दिल्ली से आ रही युवती के साथ युवक को भी गिरफ्तार किया जाए, महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न पर रोक लगाई जाए, रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस सहित स्थानीय पुलिस का पिकेट प्वाइंट बनाया जाए, स्टेशन के आसपास शराबियों और जुआड़ियों पर कार्रवाई हो, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पुलिस हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाए आदि मांगों को रखा गया। इस मौके पर सतीश राम निवास यादव, ब्रजानंद चंद्रभान यादव, जयप्रकाश यादव आदि लोग मौजूद रहे। रुस्तम अली की रिपोर्ट। आज भाटपार रानी तहसील पर सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता साधु शरण जी ने धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। मामला ये है कि भाटपार रानी स्टेशन पर 1-2 दिन पहले की बात है, गैंग रेप का मामला सामने आया है। उसको जो है बहुत बेदर्दी के साथ उसके साथ गैंग रेप किया गया है। आइए हम जानते हैं कि इनका क्या इस पे बुकिंग प्रक्रिया है, आइए इनसे जानते हैं। आइए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन भारत में आपका स्वागत है। आइए, क्या कहना चाहते हैं इस मामले? ये हम कहना चाहते हैं कि उस घटना की मैं निंदा करता हूँ, ये संगठन भी निंदा करता है। प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग निंदा किए हैं। वही 19-20 की रात की घटना है। 19-20 की रात में वो लड़की जो गोरखपुर से सीमांत पैसेंजर जाती है उसी से उतरी है, किसी के साथ थी और उसे आना बानी हुआ और क्या हुआ इसको भी पता पुलिस को लगाने की जरूरत है। उसको होटल में ले गया गया है, होटल में ले जा करके उसके साथ गैंग रेप ऐसे किया गया है कि वो मर सकती थी, वो मृत हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर बता रहे हैं कि 2 घंटा ऑपरेशन करने में लगा है, उसके शरीर में जख्म है और आज भी वो देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। उसके परिवार के लोग भी आए हैं और देख रेख हो रहा है। हमारी ये मांग है कि ये जितने लोग गैंग रेप में हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी जांच करके गिरफ्तारी करके कोई बचे ना। दूसरा चीज ये है कि ये जो गैंग रेप में हुआ है पीड़िता को मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा आपके हिसाब से गैंग रेप में कितने लोग थे? हमें लगता है कि आधे दर्जन से ऊपर लोग हैं। आधे दर्जन से ऊपर? हाँ, कम नहीं, सिर्फ 2 ही आदमी। नहीं, ये गलत बता रही है पुलिस। बचाने का काम कर, ये बचाने का और सब जो लोग हैं उनको बचाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मेरा ये मांग है कि वो उचित जांच हो, एक जज जो है, जज कोई रिटायर हो, उनके देख रेख में हमारी मांग है कि वो जाँच किया जाए और जाँच करके सभी दोषियों को दंडित किया जाए और उस पीड़िता को भरपूर मुआवजा दिया जाए। उसके इज्जत का सवाल है, उसके शादी का सवाल है। क्या कहेंगे, भाटपार रानी स्टेशन तो महफूज नहीं है? नहीं, महफूज तो नहीं है तो क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था कैसी? कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार है जो कह रही है कि हम राष्ट्रवाद का नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, सब झूठा है। योगी जी तो कहते हैं गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे हो रहा है तो ये क्या है, गुंडा है, गुंडा ही नहीं है तो क्या है? गुंडे ही से भी आगे 302 कोई कर देता तो ठीक था, उस लड़की की हत्या कर देते तो ठीक था। बलात्कार करना ये अपराध है, अपराधे है, ये हमको सबको शर्म होना चाहिए। जोगी जी को समझ में नहीं आता है, मोदी जी को समझ में नहीं आता है। आप ये और एक घटना हो रही है, अभी कह रहे हैं कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, कुछ नहीं है और ये क्या कहते हैं, ये सब फेल है, कुछ नहीं है। वहाँ पर पता लगा लीजिए, ना सीसी कैमरा है, ना विद्युत है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना लाइटिंग की व्यवस्था है। 7 बजे के बाद वहाँ शराबियों का गजेड़ियों का अड्डा है, पुलिस व्यवस्था भी नहीं है बढ़िया, कुछ नहीं है। रहती तो कैसे लड़की की इज्जत बनती? नहीं,
देखिए ये बहुत गंभीर मामला है। भाट बारानी क्षेत्र जो है ये काफ़ी शांतिपूर्ण रहा है, अब ये नए नए घटना जो आ रही है, ये आरोप लगा रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में इस तरह की घटना होती है जो निंदनीय है और हम सबके लिए बड़ी पीड़ादायी है। R9 भारत से कुशतमली की रिपोर्ट।